एक मिनट रुक जाना, इधर नाउ गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक सीट फॉर्मिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सीट फॉर्मिंग क्या होता है? सीट फॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग ए सीट मटेरियल इनटू डिजायर शेप इज कॉल्ड सीट फॉर्मिंग. इसमें क्या होता है, जैसे में सीट का एक, जैसे में ये सीट मटेरियल हो गया जो कि प्लास्टिक और मेटल दोनों का बना हो सकता है. तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग सीट मटेरियल इनटू डिजायर शेप बाय वेरियस टेक्निकल टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हो सकता है आपका बेंडिंग, डीप ड्रॉबिंग हो गया आपका, स्क्रेचिंग हो गया, होल्डिंग हो गया आपका. ये बेंडिंग में क्या होता है, जैसे में आप ये अलमारी देख रहे हैं, जैसे में ये सीट हो गया, इस पे मतलब कि फोर्स अप्लाई किया जाता है, जैसे में ये फोर्स अप्लाई करके उसको डिजायर सेट में बदला जाता है. जैसे में ये आपका सीट हो गया, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, ताकि शेप चेंज हो जाएगा जिसके अनुसार जो हमको डिजायर मतलब कि प्रोडक्ट बनना है वो ताकि बना सके. जैसे में बॉक्स हो गया, अलमारी हो गया, वो सब बनता है. डीप ड्रॉइंग में क्या होता है, एक पंच होता है, एक डाई होता है, इस पे मतलब कि सीट मटेरियल रखा जाता है. तो इस पंच पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो सीट मटेरियल है वो भी शेप में आ जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा भी शेप में हो जाएगा, जो हमें मतलब कि इसके बाद जो हमको प्रोडक्ट बनाना है उसमें यूज इसका हो जाएगा. इसके बाद क्या होता है, स्केचिंग होता है. तो स्केचिंग में क्या होता है, जैसे में एक फॉर्म होता है, ढांचा होता है, और ढांचा के ऊपर जो मोल्ट प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक सीट, उसको मोल्ट करके ढांचा में रखकर और पंच के जरिए उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है जिससे उसका डिजायर से मिल जाता है. अब हमारा लास्ट टॉपिक है फोल्डिंग. द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ए सीट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में सीट को मतलब कि फोल्ड करते हैं और इसी को हम लोग फोल्डिंग करते हैं. इसका इस्तेमाल हम लोग सीट फॉर्मिंग का इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्री में करते हैं, जिसमें बॉक्स बनाने के लिए हो गया, एरोस्पेस का जो पार्ट हो गया स्केचिंग के माध्यम से बनता है, और जो हमारा ये सब हो गया अलमारी, ये सब हो गया, ये बेंडिंग के माध्यम से बनता है. अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ सीट फॉर्मिंग.
पहला हो गया ये, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो वर्टिसाइल यूज इन इंडस्ट्री, मतलब वेरियस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका एडवांटेज हो गया, और इसका जो डिसएडवांटेज हो गया मतलब कि ये टाइम कंज्यूम करता है, और इतने